निकल ये गाना। भैया अगर आपको फोटो दूंगा 10 लोग तो कैसे नाराज कर सकता, बाद में बाद 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 में ले लेगा सब लोग। भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। तनी हटलो तो तनी हटलो भाई आ गेले छोटू भी आ गेले। दोनों भाई साथ है, ठीक है हमी के भाग साथ ही बनी जा, हमी के भाग ही बनी जा। आए पिछला बार अजौली में कपार है धर्मेंद्र जी, कपार भाई के फोड़वा दिल रह तू ही तोरे चलते कपार फूट गए रहे। ईटाई है चला ले रहा पहला ईटाई है चला ले रहा था। अरे ना भाई ना तू ही बचाओ ले रहा वो दी तो हमारे ना कई को तो एसपी टीएसपी के कपार फट रहे, हम कम ना खेत के मुरई बनी लेकिन भाई के बचा ले रहे। अरे ना तू आग वाला गाड़ी में ले गए हमारे के, तू तनी निमन आदमी हो भैया। जब सहेल भाई से कितना प्यार और आशीर्वाद था हमने के मिला तो बरसे साथ ही बड़े भाई हमने के एकदम छत्र छाया बन के लभी भैया। एक बाद आओ तो पूजा करे तरह कि नहीं बेचाई बाल हो, अरे कि नहीं बेचाई आलू हो, चालू की बिहार ना होई, बिना चालू की बिहार ना होई, नहीं बेचाई आलू, नहीं बेचाई आलू, बिना चालू की बिहार ना होई, भाई लालू बिना चालू की बिहार ना होई। चालू नहीं कर पवले भैया विकास के, कौन विकास जो 17 महीने में तेजस्वी यादव दिखा के गई ले तू है विकास कि जवन तेजस्वी यादव करे ले वादा दे दे हले नौकरी 2 लाख से ज्यादा बिना चालू की बिहार ना होई, बिना चालू की बिहार ना होई।
बा एक लाइन के। अरे कतनो हीरो होई है, अरे कतनो हीरो होई है, लेकिन हमर भाई खेसारी लेखा दिलदार ना होई। यही तो कहा जाता है कि जब ले रही आशीर्वाद रहुआ सबके तब लई बेकार ना होई। ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। कि सोच समझ के दीही अपन रहुरा माती के, ना तो विरोधी रोक दीही विजय रथ के। व्यास न्याय यात्रा भी चलल बा तेजस्वी जी, सोच समझ के मत को दीजिए। जिंदगी में एक बात बताएं, कोई भी नेता हमारा विकास क्यों नहीं करता, क्योंकि हम उसको हर बार जिताते हैं, इसलिए हमारे विकास को बहुत ही समझ लेता है। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, दुखी मैं भी होता हूं जब बिहार आता हूं तो। एक दिल्ली कई सारे राज्य को नौकरी दे सकता है, जबकि हमारे राज्य से छोटा है, लेकिन एक बिहार अपने बिहार को ही रोजगार नहीं दे पा रहा, तो ये कितनी शर्म की बात है। एक कलकत्ता कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रख के और रोजगार दे देता है, एक पंजाब कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रोजगार दे पाता है, लेकिन हमारा बिहार आज भी भीख मांग के ही खा रहा है। ये किसका देन है? हम कलाकार हैं, हम मनोरंजन कराते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। हम आप सबके मनोरंजन, आपके दिल की बातों को सुन के आपका भविष्य नहीं बदल सकते, आपको इंजॉय और आपको मजा दे सकते हैं, हम उतने तक। हम एक छोटा सा भोजन हो सकते हैं, चटनी हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, पूरी थाली नहीं है हम। तो हमारी क्षमता जितनी है उस क्षमता के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी मन करता है कि आज खेसारी के पास कितना मकान हो, हमारे खुद पता नहीं के कहियो किराया भरा लेबे ना जाले खेसरिया, वो हमारा मेहरारू के पता रहे। लेकिन अगर बिहार में फिल्म सिटी होती और खेसारी लाल यादव बिहार में होता तो करोड़ों करोड़ों रुपया मैं टैक्स देता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, खेसारी लाल यादव अपने बिहार को टैक्स देता तो उस करोड़ों रुपया से कम विकास तो होता। क्या बात है, ये हजारों में एक बात है। इस चीज को मांग है हमेशा से कि बिहार में फिल्म सिटी होनी चाहिए। आज खेसारी इतने सारे बंगला घर द्वार गाड़ी घोड़ा जो भी लेता है मुंबई शहर में लेता है, क्योंकि क्या करूं मेरे बच्चे सुरक्षित यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं किस स्कूल में पढ़ाऊं? ये नेता अपने बच्चों को तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। मैं यही बातें आज से 2 साल पहले किसी मंच पे बोला था तो मैं बहुत घेरे में आ गया था, लेकिन वो बातें गलत नहीं थी, वो सही थी कि हमारे यहाँ के नेता अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर जाते हैं, तो जब वो अपना इलाज के लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो आप सोच सकते हैं कि आपके इलाज के लिए वो अस्पताल बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं, पहले खुद को बदलिए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार करिए। सच पूछिए तो हमारे यहाँ आईपीएस और डीएम और अधिकारी बनते हैं ना तो अपने काबिलियत से बनते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। हमारे यहाँ के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो अपने काबिलियत से होते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। और मैं अपने बड़े भाई तेजस्वी जी से एक निरोध करूंगा, अनुरोध करूंगा। मैं एक छोटे भाई होने के नाते एक दुख तुम है कि 14 करोड़ की आबादी में 2 लाख के नौकरी से हम बिहार सुधरने वाला नहीं है। अगर करना ही है तो बिहार में कम से कम हजारों फैक्ट्रियां डाल दीजिए। ये बताइए कि जब हमारे पास रोजी होगा तो हम रोड पे नजर आएंगे जी, हम फैक्ट्री में नजर आएंगे? आप हमें रोजी दीजिए, आप हमें व्यवस्था मत दीजिए। उतना कमाने की ताकत है जब अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे आप, हमें व्यवस्था तो दे दीजिए, हमें रोजी दे दीजिए। हम वोट देते हैं, आप वोट मांगने आते हैं, हम रोजी मांगने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हाँ इनको भी कुछ देना है। मुझे दुख है इस बात का, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन आज नहीं तो कल तो बनना ही है। आज नहीं बन रहा हूं क्योंकि
मुझे पता है कि व्यवस्था एक खेसारी के बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आप सबको बदलना पड़ेगा। बदलाव ऐसी चीज होती है, बदलाव ऐसी चीज होती है कि हर उस नेता का डर रहता है कि इस बार अगर विकास नहीं करेंगे तो अगले बार इनको वोट नहीं देगा। इसलिए हर 5 साल पे बदल दीजिए, जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ है। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे, चाहे वो अपने आपके अपने जात का ही नेता क्यों ना हो, क्योंकि जात पेट नहीं भरता है। आप कमाते हो तब आपके बच्चों का पेट भरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर समाज में है तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है, आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। तो आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल, अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाके विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी को आप 20 साल बना के रखिए, नहीं। तेजस्वी जी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बदलिए, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है कि जीवन में इंसान अपने आप को बदल देता है। क्योंकि हमें विकास चाहिए भाई, हमें जात नहीं चाहिए, जात पेट नहीं भरता है। आज तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है तो सिर्फ यादवों को नहीं दिया है, पूरे बिहार के बच्चों को जिनके पास टैलेंट है उनको दिया है। अगर तेजस्वी जी अपने जात को ही प्रमोट करते, अपने ब्यादरी को प्रमोट करते तो इतने सारे लोगों को नौकरी क्यों देते? तो जब वो आदमी अपने जात से हटकर अपना काम कर रहा है तो आपको भी जात से हटना पड़ेगा और जात से हटकर अपना वोट दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा अधिकार अगर होता है तो वोट का होता है। और आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। जिंदगी में मैं क्या बोला, इस 17 महीने में जो बड़े भाई तेजस्वी जी ने किया, मुझे पहली बार लगा जो हमारे भाइयों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, इससे मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। लेकिन मैं 2 लाख से खुश नहीं हूँ, 14 करोड़ की आबादी है हमारे बिहार की। तो मान के चले कि आप 50 लाख भी दे दीजिएगा तब भी उधार नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है जो पढ़े हैं वो तो नौकरी ले लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो कम से कम फैक्ट्रियां लगवाइए ताकि वो भी अपने घर के और बच्चों को पाल सके, अपने बच्चों को भविष्य सोच सके। तो दिल से दुआ है उस भाई के लिए कि उस भाई ने कम से कम 2 लाख लोगों को एक रोजगार तो दे दिया। रोजगार तो मिल गई लेकिन तनख्वाह मिली कि नहीं कर गारंटी नहीं है। ऐसा जब के हुआ और के हाथ में बा पता चलो जो आजाद नौकरी करे तो 6 महीना से पेंशन नहीं मिल तो वह दिक्कत बा।